दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दोगे और जो भी भाई बहन चैनल से अपने नहीं जुड़े हैं वो सब भाई बहन सब्सक्राइब करके अपनी नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबा लेंगे और चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि जब भी कोई सच्ची खबर आपके डाली जाए, खुशखबरी डाली जाए तो आपके पास आसानी से पहुंच जाए। देखिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है, आंगनबाड़ी बहनों भर्तियां देखने को मिली हैं। आपको बता दें 26 सितंबर को कल ही यह खबर छपी है, आपको बताना चाहेंगे। लास्ट डेट आप लोगों की 25 अक्टूबर यहां पर बताई जा रही है, 25 अक्टूबर लास्ट डेट है। मेरे पास पूरी पीडीएफ आ गई है, हम आपको बता दें परियोजनावार पूरा यहां पर डाटा भी दिया हुआ है, कहां पर किन किन जो है परियोजनाओं में कितने कितने पदों पर, ये देख लीजिए भर्तियां निकली है, पूरा डिटेल से जानकारी इसमें आया हुआ है। नीचे कुछ आवश्यक जो है यहां पर टिप्स भी हैं, ये सब आपको बताएंगे कहां पर कितने पदों पर भर्तियां आई हैं, आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो, कौन कौन उम्मीदवार है सब आपको बता देंगे। साथ ही बता दें कुछ यहां पर सरकारी आदेश हैं जो बहुत ही ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आंगनबाड़ी बहनों आप लोग अपने सरकारी आदेश देख लो, फिर भर्ती के बारे में एक एक परियोजनावार आप लोगों को पूरा डाटा हम बता देंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे ये देख लो, यहां पर अभी उत्तर प्रदेश का भी बताएंगे, पहले आप ये बिहार का एक सरकारी आदेश देख लो, 25 सितंबर को परसों निकला है, निदेशक जी ने जारी किया है और बहुत ही जरूरी ये सूचना बताई जा रही है बिहार सरकार की तरफ से। इसमें लिखा है माह जून 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक का पूरा जो है यहां पर पोषाहार वगैरह जो है संबंधी जो परियोजनावार जिलावार श्रेणीवार डीपीटी डाटा वगैरह उपलब्ध कराया जाए, इसके बारे में आदेश निकला है। यानी जून महीने से लेकर के अगस्त महीने तक का पूरा पोषाहार संबंधी जो भी डाटा है, जो भी डीबीटी का, वो सब जो है मांगा जा रहा है। आगे देख लीजिए लिखा हुआ है आईसीडीएस अंतर्गत संचालित पोषाहार योजना संबंधी माह जून 2020 से अगस्त 2020 यानी तीन महीने का परियोजनावार जिलावार श्रेणीवार जो भी डीबीटी डाटा है उसकी आवश्यकता है। लिखा आता है अनुरोध है कि आवश्यक जो है कार्यार्थ जो है उपरोक्त डाटा को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए, ये निदेशक जी का बिहार में लेटर जारी हुआ है और बहुत जल्द तत्काल सूचना मांगी गई है पोषाहार की। यहां पर जो भी संबंधित डाटा है डीबीटी का जून महीने से लेकर के अगस्त महीने तक का सभी पूरे बिहार की बहनों के लिए एक बड़ी खबर है। साथ ही बता दें एक और बड़ी खबर यहां पर देख लो, बिहार सरकार का लगे सहित एक और बहुत बढ़िया आदेश 25 सितंबर को निकला है, यह भी आदेश बहुत ही जरूरी है, निदेशक जी ने ही यह जारी किया है। आप देख सकते हो तकनीकी निदेशक है एनआईसी पटना की तरफ से, डिजिटल हस्ताक्षर पीएफएमएस मैपिंग कराने के संबंध में। देख लीजिए ये डिजिटल हस्ताक्षर पीएफएमएस मैपिंग क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि विषय के संबंध में कहना है कि पूर्व से आईसीडीएस निदेशालय में अनुश्रवण सह पोषाहार जो पदाधिकारी हैं उनके पद पर कार्यरत श्रीमती सुगंधा शर्मा को तात्कालिक प्रभाव से कटिहार जिला में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के पद पर योगदान करने हेतु भेजा गया है। इनके स्थानांतरण के पश्चात उन कार्यों के निष्पादन हेतु पदेन अनुश्रवण पदाधिकारी आईसीडीएस श्रीमती जो है सिप्रा वर्मा कार्यरत हैं। अतः अनुरोध है कि श्रीमती वर्मा का जो है यानी सिप्रा वर्मा जी का डिजिटल हस्ताक्षर पीएफएमएस से मैपिंग कराया जाए, ताकि पोषाहार संबंधी जो है अग्रेतर कार्रवाई करने में कोई कठिनाई ना हो। तो पोषाहार को लेकर के यदि कोई आप लोगों के वहां दिक्कत चल रही है तो आपको हो सकता है इसी यहां पर उतार चढ़ाव की वजह से होगी, ये पोस्ट वगैरह बदलने को लेकर के होगी। तो अभी इनका जो पीएफएमएस पोर्टल पर पूरा सब फीड करवाया जाएगा डिजिटल हस्ताक्षर, उसके बाद में शायद पोषाहार की जो राशि आप लोगों को लगती है कि नहीं पहुंच पा रही है समय समय पर जो है जिलों में, तो शायद यही एक कारण होगा और इनके आने के बाद शायद भैया थोड़ी बहुत व्यवस्था दुरुस्त हो जाए और ठीक तरीके से काम जो है चलना स्टार्ट हो जाए। तो आपको बता दें जब तक डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे तब तक शायद थोड़ा बहुत पोषाहार का सिस्टम आपका बाधित रह सकता है। आगे बता दें एक और सरकारी आदेश, अभी जाइएगा मत, मैंने कहा भर्ती की मैं आपको परियोजनावार जानकारी दूंगा, यानी किन किन ब्लॉकों पर कितने कितने पदों पर निकल रही है और कहां से खबर है। सबसे पहले ये देखो जिला कार्यक्रम अधिकारी जो है आजमगढ़ में एक जनपद में जो है जारी हुआ है लेटर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, 26 सितंबर को कल ही यह सूचना जारी हुई है। पोषण माह 2020 के योगदान, गंभीर तीव्र कुपोषण, गंभीर रूप से अल्प पोषित बच्चों की पहचान और ट्रैकिंग के संबंध में यह भी एक सरकारी आदेश है। इसमें लिखा हुआ है कि पोषण माह सितंबर सैम मैम जो भी गंभीर तीव्र कुपोषित बच्चे हैं, गंभीर रूप से अल्प पोषित बच्चे हैं, उन बच्चों का चिन्हांकन और सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रारूप आपको पूर्व में उपलब्ध कराया जा चुका है। साथ ही लिखा भी है यहां पर कि पोषण माह सितंबर 2020 के दौरान सैम मैम बच्चों के चिन्हीकरण एवं उन्हें पोर्टल पर फीड कराने हेतु निर्देश वगैरह की कार्रवाई की जाए। आगे लिखा है कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को अग्रिम आवश्यक सेवाओं हेतु
निकटतम प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों उपकेंद्रों पर संदर्भित किया जाए एवं आवश्यकता अनुसार उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र वगैरह में भी भर्ती कराया जाए। साथ ही जिन पदों में ICDS कैश यानी स्मार्टफोन इसमें योजना वगैरह क्रियान्वित नहीं है उन जनपदों में प्रारूप भी लिखा हुआ है, पूर्व में आपको प्रेषित है, पुनः प्रेषित भी किया जा रहा है, पर मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करें। इन जनपदों में रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम पर सूचना टैब लिखा हुआ सैम चिल्ड्रंस और अपडेट सैम चिल्ड्रंस में प्रत्येक माह अपलोड किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु लॉगिन आईडी आदि पूर्व से आपको उपलब्ध कराया जा चुका है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि पोषण माह सितंबर 2020 में चिन्हित सैम मैम बच्चों की सूचना संलग्न प्रारूप एक पर दिनांक 1 अक्टूबर 2020 को उपलब्ध कराते हुए उनकी फीडिंग उपरोक्ता अनुसार पोर्टल पर कराते हुए अवगत करवाएं। साथ ही सैम मैम बच्चों का चिन्हांकन एवं पोर्टल पर फीडिंग का कार्य प्रत्येक माह कराना सुनिश्चित करें। ये 26 सितंबर को मनोज कुमार मौर्य जी जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ में लेटर जारी किया, आप लोग देख लीजिए काम कैसा आगे आप लोगों को करना है, फीडिंग वीडिंग का काम चलेगा। अब देखो यहां का हम बात नहीं कह रहे, लेकिन कुछ जनपद ऐसे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर सिस्टम क्या चलता है कि जो भी फीडिंग का काम अधिकारियों के स्तर पर होता है उसके लिए अधिकारी सुपरवाइजर आंगनबाड़ी बहनों से पैसा वसूल लेते हैं और कहते हैं इस काम की फीडिंग का पैसा लग रहा है, ऊपर जो कंप्यूटर ऑपरेटर बैठे हैं उनसे फीड हम करवा रहे हैं, उनको पैसा देना है। जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, आंगनबाड़ी का जो काम होता है वो अपना करे, लेकिन बहुत से तरीके से गलत तरीके से भी काम चलते हैं। तो यहां पर आगे से जब भी कोई अधिकारी लेटर निकाले तो उसमें यह भी लिख दे कि फीडिंग साफ साफ किन अधिकारियों की जिम्मेदारी है करवाना, किसके स्तर पर किसका क्या काम होता है, जिसके चलते ये भ्रष्टाचारी और शोषण का जो शिकंजा आंगनबाड़ी के बहनों के ऊपर अधिकारी कस देते हैं ये शायद कम हो सके और जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो ठीक से निभा सके। तो कहीं ना कहीं थोड़ी जरूरत है साफ सुथरे लेटरों की जिनमें लिखा भी हो कि आखिर किन लोगों को क्या काम करना, यानी आंगनबाड़ी को कितना करना है और फीडिंग जैसे जो काम होते हैं वो किसके स्तर से किसको करने चाहिए। इनके चीजों को लेकर के काफी सवाल लोगों के मन में बने रहते हैं। अब हम आपको बता दें एक और बड़ी खबर, जैसा कि हमने कहा है 26 सितंबर कल ही एक यह खबर निकली है, लास्ट डे 25 अक्टूबर बताई जा रही है। प्रीति बहन है, उन्होंने मुझे जानकारी भेजी है कल और उन्होंने डाटा पूरा भेज दिया है, ये आप देख सकते हो। आमंत्रण वगैरह है आप लोगों के लिए, आवेदन वगैरह के आंगनबाड़ी सहायिका और मिनी इन पदों पर भर्तियां वगैरह निकली हैं। हम आपको बता दें भोपाल संभाग में संचालित एकीकृत बाल विकास परियोजना में 86 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद हैं, 91 आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद हैं, 11 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद हैं। पूर्ण जो है अस्थायी एवं मानदेय आधारित पदों के लिए पात्र महिलाओं अभ्यर्थियों से निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए गए, तो भर्तियां निकली हैं और डेट वेट के बारे में आप नीचे बता दूं ये सब लिखा हुआ है, जो भी और भी है वो सब इसमें लिखा हुआ। जैसे अभी हम परियोजनाओं के नाम भी बता देंगे कहां पर कितने कितने निकले हैं। जैसे उपरोक्त चार्ट अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों की नामवार सूची एवं नियम निर्देश शर्ते आवेदन का प्रारूप एवं अन्य अहर्ताएं संबंधी जिला कार्यालय एवं संबंधी एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है जानकारियां। जिस ग्रामीण वार्ड में रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की गई है आवेदिका ग्रामीण में जो है उसी राजस्व ग्राम शहरी जो है क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होनी चाहिए। संबंधित महिला आवेदक अपने पूर्णता भरे आवेदन का पत्र में आवश्यक सहपत्रों सहित संबंधित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय में कार्यालयीन वगैरह दिवस एवं समय से दिनांक 25 जो है अक्टूबर तक जमा कराकर निर्धारित रूप में प्राप्ति जो है अभिस्वीकृति वगैरह जो है प्राप्त कर सके। ये आपका नकी जहां वगैरह कुरैसी है संभागीय संयुक्त संचालक महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से लेटर निकाला है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अब हम परियोजनाओं की बात कर लेते हैं, जैसे जिलों का नाम आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी है और परियोजनाओं के नाम। जिला हम बात बता दें आपको भोपाल, तो मध्य प्रदेश के भोपाल जो जिले में एकीकृत महिला बाल विकास जो परियोजना आपकी मोतिया पार्क है, तो मोतिया पार्क में आंगनबाड़ी सहायक जो है कार्यकर्ता के 11 पद हैं और सहायिका बहनों के यहां पर 3 पद हैं और मिनी बहनों के कोई भी पद नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो। आगे बता दें अब आपका आता है बैरसिया वगैरह फर्स्ट, तो आपका भोपाल जो है जिले में बैरसिया फर्स्ट जो परियोजना है ब्लॉक है वहां पर 3 आंगनबाड़ी के पद खाली हैं, सहायिका का नहीं है, मिनी का भी नहीं है। ऐसे देखो जेपी नगर पड़ता है वहां पर 6 जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद खाली हैं और 5 जो है आंगनबाड़ी सहायिका के पद खाली है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इनके ऊपर भर्तियां निकली हैं, खाली ही नहीं है मतलब भर्तियां निकली हैं। जेपी नगर में 6 आंगनबाड़ी के पदों पर और सहायिका के पदों पर 5, मिनी का पद खाली पड़ा है उसमें है ही नहीं। आगे देखो एकीकृत बाल विकास परियोजना बैरसिया जो द्वितीय है वहां पर 3 आंगनबाड़ी के पद हैं, 1 सहायिका का पद, इतने पर भर्तियां निकली हैं। ऐसे देख लो एकीकृत बाल विकास परियोजना फंदा पड़ता है भोपाल में, भोपाल के फंदा में 2 सहायिका के पद पर केवल भर्तियां निकली हैं, आंगनबाड़ी और मिनी का पद खाली है। आगे देखो यहां पर चांदबड़ा पड़ता है, चांदबड़
चांदबड़ जो परियोजना है, तीन वहां पर आंगनबाड़ी के पद खाली हैं और सहायिका बहनों का जो है नहीं है, मिनी का भी नहीं है। तो तीन जो आंगनबाड़ी के पद खाली हैं उन पर भर्तियां निकली हैं। आगे देख सकते हो बरखेड़ी पड़ता है, 8 यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पदों पर भर्तियां हैं और सहायिका के पदों पर 2 भर्तियां हैं, मिनी के पद में है ही नहीं। आगे जो है बाणगंगा वगैरह में आप देख सकते हो परियोजना है, वहां पर 2 आपकी आंगनबाड़ी के पदों पर भर्तियां हैं, 5 सहायिका के पदों पर भर्तियां हैं। साथ ही गोविंदपुरा पड़ता है, यहां पर 1 आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है, 2 सहायिका के पद पर भर्ती है और 1 मिनी आंगनबाड़ी के पद पर भी भर्ती निकली है। साथ ही बता दें परियोजना आपकी कोलार पड़ती है, यहां पर भी जो है 1 जो है सहायिका के पद पर भर्ती है, ना ही आंगनबाड़ी पर है और ना ही जो है मिनी पर, केवल सहायिका पर। अब टोटल भोपाल में, भोपाल जनपद में 37 जो है आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है, 21 सहायिका के पद पर भर्ती है और 1 जो है केवल मिनी के पद पर भर्ती है, जो कि आपकी गोविंदपुरा में निकली है परियोजना में। आगे देखो, अब बात करते हैं रायसेन में। रायसेन में देख लीजिए बरेली पड़ता है, बरेली वगैरह रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन में बरेली एक परियोजना है, 2 यहां पर आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है, 9 सहायिका के पद पर भर्ती है। ऐसे परियोजना है बेगमगंज, यहां पर 1 आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है, 2 सहायिका के पद पर भर्ती है। ऐसे परियोजना है ओबेदुल्लागंज वगैरह, ओबेदुल्लागंज लिखा हुआ है, जहां पर 1 केवल जो है सहायिका के पद पर भर्ती है। ऐसे परियोजना आपकी सिलवानी पड़ती है, यहां पर जो रायसेन जिले में, यहां पर 1 जो है सहायिका के पद पर भर्ती है। साथ ही देखो उदयपुर परियोजना है रायसेन में जिले में, यहां पर 1 आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है और 4 सहायिका के पद पर भर्ती है और 1 आपकी मिनी आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है। तो कुल मिलाकर के यहां पर योग देखा जाए तो रायसेन जनपद में मध्य प्रदेश के 4 जो है आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है और 17 आप देख सकते हो यहां पर किस पर है, सहायिका के पद पर, और 1 मिनी के पद पर भर्ती है। अब बात कर लेते हैं राजगढ़। राजगढ़ जो जनपद है, यहां के खुजनेर परियोजना है, यहां पर 2 आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती, 1 सहायिका के पद पर भर्ती। ऐसे परियोजना है खिलचीपुर वगैरह राजगढ़ में जनपद में, 1 जो है यहां पर आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है, 2 आपकी सहायिका के पद पर भर्ती है। ऐसे आपका कुरावर वगैरह पड़ता है परियोजना, यहां पर 1 सहायिका के पद पर भर्ती है। ऐसे नरसिंहगढ़ वगैरह परियोजना पड़ती है, 2 सहायिका के पद पर भर्ती है। ऐसे एक परियोजना पचोर पड़ती है, इसमें 2 आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है, 1 सहायिका के पद पर भर्ती है। ऐसे आपको बता दें राजगढ़ पड़ता है, राजगढ़ जनपद में राजगढ़ एक परियोजना भी है, तो यहां पर 1 जो है आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है, 1 सहायिका के पद पर है और 2 मिनी आंगनबाड़ी के पद पर भर्तियां हैं। ऐसे सारंगपुर पड़ता है परियोजना, यहां पर 2 आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है, 1 सहायिका के पद पर भर्ती है। ऐसे पड़ता है परियोजना सुठालिया, 1 आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है और 4 यहां पर सहायिका के पदों पर भर्तियां हैं। ऐसे परियोजना पड़ती है ब्यावरा, यहां पर 2 आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है और 4 जो है सहायिका के पदों पर भर्तियां हैं। कुल मिलाकर के यदि योग किया जाए राजगढ़ जनपद का, तो जो है 11 आप लोगों के आंगनबाड़ी के पद भरे जाएंगे, 17 सहायिका के पद पर भर्ती हैं, 2 मिनी के पद पर भर्ती हैं। अब आगे देख लो, अब हम बात करते हैं सीहोर वगैरह जनपद की। यहां की परियोजना है आपकी सीहोर ग्रामीण, यहां पर 6 आंगनबाड़ी के पद और 4 सहायिका के पद भरे जाएंगे, भर्ती निकली है। परियोजना दोहराहा वगैरह, यहां पर 0 आंगनबाड़ी यानी 1 भी आंगनबाड़ी का पद नहीं, लेकिन सहायिका के 2 पदों पर भर्ती है। साथ ही परियोजना इछावर पड़ती है, 2 आंगनबाड़ी के पद हैं और 2 सहायिका के भी पद यहां पर हैं। साथ ही परियोजना आपकी नसरुल्लागंज पड़ती है, यहां पर 1 आंगनबाड़ी का पद है, 2 आपके सहायिका के पद है। साथ ही मधुबनी पड़ता है सिरो वगैरह जनपद में, सॉरी मधुबनी नहीं है, मधुबनी तो बिहार में है, बुधनी पड़ता है, बुधनी परियोजना है सीहोर वगैरह जनपद में मध्य प्रदेश के, 2 आंगनबाड़ी का पद है, 1 सहायिका का है और 1 मिनी का भी पद खाली है, इस पर भर्ती निकली है। साथ ही परियोजना जावर पड़ती है, 3 आंगनबाड़ी के पदों पर भर्तियां निकली है। टोटल बात करने सीहोर जनपद की तो 14 आंगनबाड़ी के पद यहां खाली है, 11 आप लोगों के सहायिका के पद खाली हैं, 1 जो है आपका मिनी के पद पर खाली है, इन पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। विदिशा पड़ती है आपकी, जो है विदिशा सॉरी जिला पड़ता है आपका, वहां की विदिशा शहरी जो परियोजना पड़ती है, वहां पर 1 आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती निकली है। विदिशा ग्रामीण जो पड़ता है, वहां पर 4 आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है, 2 सहायिका के पद पर भर्ती है। ऐसे परियोजना पड़ती है जो है बासौदा एक में 2 आप लोगों के सहायिका के पदों पर भर्ती है और 1 जो है मिनी आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है। ऐसे पड़ता है बासौदा 2, यहां पर 1 जो है आप लोगों के लिए सहायिका के पदों पर भर्ती है। और साथ ही बता दें परियोजना कुरवाई पड़ती है, यहां पर 4 आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है और 8 सहायिका के पद पर भर्ती है, सुनहरा मौका है।
साथ ही देख लीजिए परियोजना लटेरी पड़ता है, यहां पर दो आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती है, दो सहायिका के पद पर भर्ती है और तीन जो है मिनी जो है आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती है। साथ ही परियोजना सिरोंज पड़ता है, यहां पर चार आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती, आठ सहायिका के पद पर भर्ती। आगे देखो यहां पर एक परियोजना पड़ती है नटेरन, यहां पर आप लोग देख सकते हो तीन आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती, एक सहायिका के पद पर भर्ती, दो मिनी आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती। साथ ही देखो ग्यारसपुर वगैरह पड़ता है परियोजना, यहां पर दो आंगनबाड़ी के पद पर भर्ती, एक जो है सहायिका के पद पर भर्ती। अब कुल योग कर ले हम विदिशा जिले का तो 20 आंगनबाड़ी के पदों पर भर्ती विदिशा जनपद में है, 25 सहायिका के पदों पर है, 6 मिनी आंगनबाड़ी के पदों पर विदिशा जनपद में भर्तियां हैं मध्य प्रदेश के। अब टोटल यदि मध्य प्रदेश की बात कर ले तो जिन जिन जिलों के हमने नाम बताए कुल 86 आंगनबाड़ी बहनों की भर्ती है, 91 सहायिका बहनों की भर्ती है, 11 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती है। तो ये हमने आपको लास्ट में इसीलिए भाइयों बहनों दिखाया ताकि देखो भर्ती की खबर वही देखेंगे जिनको भर्तियों के लिए इंतजार होगा या कोई नया इंसान ही देखेगा, लेकिन आंगनबाड़ी बहनें अपना क्या देखेंगी, वो अपने सरकारी आदेश देखेंगी जो उनके काम आने वाले, जो उनके लिए जो है आगे क्या काम आ रहा है वो बताया जा सके। इसलिए हमने पहले आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के काम की खबरें लगाई, बाद में आप लोगों को मैंने यह खबर दी जो भर्तियों से रिलेटेड है। अब आगे बता दें आपको, देखो ये एक देख सकते हो बहुत अच्छा है उर्मिला बहन ने बनाया है और इसमें लिखा है कुपोषण की रोकथाम हेतु 10 प्रभावी जो पोषण हस्तक्षेप हैं उनके बारे में बढ़िया एक पोस्टर उन्होंने बहन ने अपना बनाया है मॉड्यूल टाइप का। आगे देखो एक और जानकारी ये आई थी और ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये राजपुर जो है राजपुर वगैरह पड़ता है एमपी जिला में, वहां पर ये जानकारी है 26 सितंबर को कल दोपहर 12 बजे मीटिंग हुई है। हमने पहले बताया था आपको कल परसों में कि यहां पर एमपीआर की नई जो रिपोर्ट आई है ना भरने के लिए प्रारूप टाइप का, उसके लिए जो है यहां पर अब आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो नई रिपोर्ट हम 2-4 महीने पहले भी बता चुके हैं, मीटिंग को लेकर भी पहले बताया जा चुका है। आगे देखो एक और बहन है सुधांशु भैया नमस्ते, ये हमारी एक कह रही बड़ी बहन है आंगनबाड़ी जो है हबीबुन्निसा केंद्र वगैरह ढिगिया फर्स्ट पड़ता है, वहां से है अमामा जिला रायबरेली में पड़ता है, वहां से तीनों टाइम न्यूज देखती थी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन को, उन्होंने अपना ये कार्यक्रम मनाया, उसकी उन्होंने तस्वीर हमें भेजी है। साथ ही देखो एक और ये बहन है लालमणि बहन, उन्होंने भी ये कार्यक्रम मनाए हैं, उसकी उन्होंने भी तस्वीर हमें ये भेजी है। साथ ही एक और ये आंगनबाड़ी बहन उषा वर्मा बहन, उन्होंने भी मुझे केंद्र की अपने वहां की फोटो भेजी है, सॉरी घर घर जाकर के जो भी पोषण कार्यक्रम मनाए हैं। साथ ही एक ये देखो राधा बहन है, उन्होंने अपने वहां को पोषण कार्यक्रम मनाए गोद भराई वगैरह, तो उन्होंने भी अपने वहां से फोटो वगैरह भेजा है। साथ ही ये देखो एक और बहन है, उन्होंने अपना फोटो भेजा लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं भेजा है। साथ ही एक और ये आंगनबाड़ी बहन है अनीता बहन, उन्होंने फोटो भेज दिया है, वो भी दो दो सेम फोटो। तो यहां पर बताना चाहेंगे ये सब ठीक नहीं है। और आगे बताना चाहेंगे आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करो और अगले वीडियो का इंतजार करो। दोपहर 3 बजे देखो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग 3 बजे मैंने कल भी बता दिया था कि 3 बजे टाइम निकाल करके 3:10